Hello, welcome to Physical Education Teacher's Journey, where you can follow us in YouTube, Facebook, and now also in Telegram, and you can message us in WhatsApp also. So today's topic is all about October Part 1 job vacancy for physical education teachers, coaches all over India for the session 2021 to 2022, and myself Debashish Shah. Let's start today's video. So the first school that we are having, they need PGT in all subject as well as TGT, so you can apply here. They have already given their website as well as they have given their number, so you can call them up to for the further details. Now the next one, they need a physical education teachers. They have already given their email address. You can email them up your CV. Next school is needing a TGT, you have to teach from 1 to 10 or whatever the criteria will be. It is an ICIC board, so obviously you should be having a fluency in English and the residential facility for deserving candidates. So if you are an outstationer and this school is in UP, agar aap UP se dur ho, UP mein bahar state se aa rahe ho, to you can ask for the, you know, रेजिडेंसी बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू. तो पहले आप इंटरव्यू में जाने से पहले सब कुछ क्लियर करके ही आप अपना पूरा सिस्टम बनाएं. और ये जो स्कूल है ये CBSE स्कूल नहीं है, ये ICSE स्कूल है और ISC स्कूल है, एफिलिएटेड इन न्यू दिल्ली. नाउ द नेक्स्ट स्कूल, दे नीड फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड अ प्राइमरी टीचर बेसिस. ओके, दे हैव ऑलरेडी गिवन देयर फोन नंबर एंड you can contact them in or drop your CV in this email address. Okay, and the criteria they are needing, they need at least minimum 2 years of experience in ICSE board or CBSE board. तो उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है कि ICSE board से ही आपको experience लेना है. अगर आप CBSE board के लिए पढ़ाते थे और आप अप्लाई कर रहे हो और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली यू कैन ड्रॉप योर CV इनटू दैट. ओके, एंड एकेडमिक ईयर इन्होंने दे के रखा है 2022 से 2023 के लिए, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए. तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा स्कूल होगा, जो पहले से ही कैंडिडेट ये स्कैन कर रहे हैं. और ऑब्वियसली जो स्कूल ऐसे करते हैं कि 1 साल पहले से ही ये अपना एड देते हैं, तो इसका मतलब है इनका लेने का जो स्कैनिंग प्रोसेस होगा वो अच्छा होगा. अब आपके ऊपर है, आप इन स्कूल के वेबसाइट में जाइए, अपना डिटेल्स वहाँ पे शेयर कीजिए, या फिर उनका जो रिव्यू है आप गूगल से भी देख सकते हो स्कूल में, फिर अपना CV और आप फर्दर प्रोसीड्यू कीजिए. नाउ द नेक्स्ट स्कूल इज इन हरियाणा एंड दे नीड अ हॉस्टल वार्डन कम कोच. तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, दे हैव गिवन देयर फ़ोन नंबर. कॉल करके पूछिए कि कौन से स्पेशलाइजेशन के वो कोच ढूंढ रहे हैं, कौन से स्पोर्ट्स एंड गेम्स के ऊपर ढूंढ रहे हैं. तो फिर आप ये जानने के बाद 1 वीक के अंदर, राइट विद इन 7 डेज, यू हैव टू ड्रॉप योर CV इन दिस ईमेल एड्रेस. तो जल्दी कीजिए, जैसे आप ये वीडियो देखते हैं आप अपना CV ड्रॉप कीजिए बाय गेटिंग ऑल द डिटेल्स. नाउ द नेक्स्ट स्कूल इज टॉकिंग अबाउट दे नीड टीचर फॉर ऑल सब्जेक्ट. तो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट भी आ जाता है. और फर्दर डिटेल्स के लिए आप स्कूल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड अपना रिज्यूम देने के लिए यहाँ पर ईमेल एड्रेस पहले से दिया हुआ है. नाउ द नेक्स्ट स्कूल, दे नीड्स अ PT टीचर, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर दे नीड. एंड यू कैन ड्रॉप योर CV हियर एंड फॉर फर्दर डिटेल्स दे हैव गिवन देयर फोन नंबर एज वेल एज वेबसाइट, सो यू कैन गो थ्रू इट. Now the next school, they need a physical education teacher and the teacher should be affiliated by any of this course, right? DPED, BPED or MPED, and they have already given their website, and you have to drop your CV within 7 days. So jaise hi aapko ye video milta hai, aap zarur drop kijiye. This school belongs to Orissa. Orissa mein ye school hai, to mujhe lagta hai ki hamare West Bengal, झारखंड, ओके, नॉर्थ ईस्ट के जो भी हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स है, कोचेस है, वो ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट. नाउ
अदर स्टाफ में फिजिकल एजुकेशन इनको चाहिए, मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ में इनको चाहिए, ठीक है। और ये जो स्कूल है ये बहुत जगह है, ठीक है, इन्होंने अपना अपना जो अलग अलग जगह पे अपना स्कूल का खोल के रखे, वहाँ पे दिया हुआ है फोटोग्राफ टू स्कूल जॉब्स 26, दिस इज़ द ईमेल एड्रेस यू हैव टू पुट टू गिव योर CV। 1 नवंबर जो है ये इसका लास्ट डेट है, आप अपना CV उसके पहले ड्रॉप कर सकते हो, राइट। सो यू कैन गो थ्रू दैट। मैं हर बार कहता हूँ कि कोई भी स्कूल में अपना टाइम इन्वेस्ट करने से पहले आप ये देखा करो कि उस स्कूल का क्या सिचुएशन है, उसका रिव्यू देखो, रिव्यू देखने के बाद उनसे बात करो कि कैसा वो प्रोवाइड करने वाले हैं, उनका फी स्ट्रक्चर क्या है, पेमेंट स्ट्रक्चर क्या है टीचर के लिए, राइट। और उसके बाद ही आप आगे बढ़ो। देखो, आप हर स्कूल में अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, राइट, लेकिन उस स्कूल में टाइम इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपका सच में लाइफ को सिक्योरिटी मिले, ठीक है। हर स्कूल में आप मत ये करो, अपना CV मत डालो, अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको कुछ एडवांटेज मिलेगा और आपके लाइफ को एक सिक्योरिटी मिलेगा, तभी आप उसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करो टाइम। नाउ द नेक्स्ट स्कूल दे नीड अ सीनियर स्कूल टीचर्स, तो उनका क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट टॉट। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जो आप टॉट करते हो लाइक फिजिकल एजुकेशन, आप उसके बिहाफ पे आप अपना CV डाल सकते हो कि इसमें ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट वन, ये जो है ये थोड़ा बहुत लेट हो गया मुझे, मैंने अपने जो टेलीग्राम है उसमें मैंने डाला हुआ था, लेकिन वीडियो आने में लेट हो गया, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है। द लास्ट डेट इज़ 25th, तो आज ही वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आप इस ईमेल एड्रेस में आप अपना CV ड्रॉप कर दीजिए। ये कोचेस मांग रहे हैं, हेड कोचेस मांग रहे हैं किसके, स्विमिंग के, एथलेटिक्स के, शूटिंग के, तो डेफिनेटली आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दे नीड अ फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है कि आपको पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन दे आस्क फॉर मास्टर डिग्री ऑल्सो। सो मास्टर डिग्री अगर आप दे आर आस्किंग फॉर विद अ स्पेशलाइजेशन इन एनी स्पोर्ट्स और गेम्स, तो मे बी दे हैव अ पोस्ट ऑफ अ PGT और मे नॉट बी, ये क्लियरिफाई करने के लिए आप ज़रूर इस स्कूल के वेबसाइट पे जाइए, राइट, और वहाँ पे आप इन स्कूल का नंबर निकालिए। अगर नंबर में कॉल करके आप कंफर्म कीजिए कि क्या है, क्या सिनेरियो है, कौन से स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स एंड गेम्स के लिए वो स्कूल एप्लीकेबल है, राइट, स्कूल में जगह है कि नहीं उस स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद ही आप ट्रैवल कीजिए या फिर अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए। दिस स्कूल इज़ फ्रॉम बैंगलोर, तो बैंगलोर के आसपास जितने भी स्टेट्स में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज हु आर लिविंग इन बैंगलोर, दे कैन ऑल्सो अप्लाई इन दिस स्कूल। नाउ द नेक्स्ट वन इज दे नीड अ PT टीचर, तो यहाँ पे मुझे हर बार ये कन्फ्यूजन होता है कि PT टीचर बोलने के बाद भी वो एमपीएड एमपीएड लिख के रहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर आपको फिजिकल ट्रेनिंग टीचर ही चाहिए तो वहाँ पे आप BPED ही रखो, क्यों एमपीएड का जरूरत है, राइट। एमपीएड जो बंदा करता है वो अपना लाइफ का 2 साल इन्वेस्ट करता है टू गेट अ पोस्ट ऑफ अ PGT, राइट, पोस्ट ऑफ अ PGT, कि उसको अच्छा स्केल मिले, एक लाइफ में सिक्योरिटी मिले और वो उस सब्जेक्ट को आगे बढ़ा पाए। तो ये स्कूल ये क्यों नहीं समझते हैं कि ये PT टीचर देते हैं तो ये सिर्फ BPA तक रखे, राइट, एंड उसमें वो BPA भी डालते हैं, MPA भी डालते हैं, बट इट गोज टू द स्कूल मैनेजमेंट ओनली, कि वो चाहते हैं कि हम जो पोस्ट फिल अप करें उसमें अच्छा वाला कैंडिडेट आए, वो इम्पीड किया होगा तो स्कूल को ही बेनिफिट होगा, उससे मल्टीटास्किंग काम भी करा पाएगा। सो इट्स ओके, दोज हु आर डन इम्पीड एंड BPA दे कैन अप्लाई इन दिस स्कूल, एंड दे हैव गिवन ऑलरेडी द ईमेल एड्रेस हियर, एंड 31 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट, तो आपके पास टाइम है। लोकेशन कहाँ है, राजपुर, तो आप देख लीजिए स्कूल के बारे में डिटेल्स जान लीजिए और उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट नेक्स्ट वन, दे आर आस्किंग फॉर
PGT, TGT, PRT, तो यहाँ पे ही फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो हैं वो फुलफिल हो जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने ईमेल एड्रेस दे के रखा है, फ़ोन नंबर दे के रखा है, आप इन फ़ोन नंबर में कॉल कर सकते हैं और डेफिनेटली आप पोस्ट के बारे में डिटेल्स में जान सकते हैं। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट वन, दे नीड अ TGT और PGT, ये सब सब्जेक्ट में दे के रखा है, तो फिजिकल एजुकेशन भी दे के रखा है, तो आई होप सो दे हैव अ प्लेसमेंट फॉर TGT और मे बी PGT। सबसे अच्छा जो मुझे स्कूल का लगा है, सबसे अच्छा वो है कि ये इंटरव्यू जो कंडक्ट कर रहे हैं वो वाया जूम मीटिंग के द्वारा। तो मुझे स्कूल के नाम तो ज़रूर याद रहेगा, क्योंकि स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट मुझे लग रहा है, क्योंकि ये समझते हैं कि अभी कोविड सिनेरियो में जब टीचर्स मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड है या फिर टीचर्स कहीं जॉब कर रहे हैं, उनको ट्रैवल करना कितना परेशानी हो सकता है। तो ये जूम मीटिंग में ही अपना इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद वहाँ से अगर उनको लगा कि कैंडिडेट में कुछ अच्छा है देन दे कैन कॉल आउट, और अच्छे स्कूल वो करते हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे स्कूल है जिसमें हम लोग ड्रीम करते हैं कि हमारा हो जाए, कि हमारा लाइफ सीकर हो जाए, वो सब स्कूल सबसे बकवास है। उनको मैंने जब कहा कि सर आप लोग जूम मीटिंग में क्यों इंटरव्यू नहीं करते हो, बोलता है हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट है, हम नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते हो? आप लोग जब ऑल ओवर इंडिया में एक आप अपना ब्रांड अपने आप को रखते हो, तो भाई 21st सेंचुरी में वाई यू पीपल डू नॉट डू जूम मीटिंग? आपको पता नहीं है कि NVS, हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट अच्छी तरह से काम नहीं करता, NVS जैसा स्कूल में जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में अपना फिजिकल एजुकेशन टीचर लेते हैं, वो भी जूम मीटिंग में उन्होंने सिलेक्शन किया हुआ है, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल जिनका ब्रांड चलता है वो जूम मीटिंग में नहीं कर सकते। लेकिन पूरा 1.5 से 2 साल ये अभी भी जूम मीटिंग में अपने टीचर से क्लास लेने बोल रहे हैं, बच्चों का बोल रहे हैं फिजिकल क्लास भी लो और आप ऑनलाइन भी क्लास लो, लेकिन इनको इंटरव्यू क्या चाहिए कि जो कैंडिडेट है वो उनके फिजिकली उनके सामने आए? क्यों भाई? तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर ये स्कूल यूपी में है, और मैं रिकमेंड करूंगा अगर ये स्कूल में आप अपना CV डालते हो, डेफिनेटली ये वो डेट है, क्योंकि ये जूम मीटिंग में होने वाला है। तो जूम मीटिंग में होगा तो आप अपने घर में बैठ के ही आप अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। सो वन ऑफ द गुड थिंग, रेस्पेक्ट टू दिस स्कूल। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज दे नीड अ फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो बेसिकली इन्होंने कहा है कि 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। गुड, दे हैव ऑलरेडी गिवन द ईमेल एड्रेस 10 दिन के अंदर। तो मेरे हिसाब से आपको जैसे ही ये वीडियो मिलता है उसी टाइम आप अपना CV ड्रॉप कर दीजिए, अगर आपके आसपास ये स्कूल है, और इफ यू नीड अ जॉब सो आप CV ड्रॉप कर सकते हो। द नेक्स्ट स्कूल दे रिक्वायर अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, दे हैव गिवन द फोन नंबर हियर, द CV हियर, एज वेल एज दे हैव गिवन द वेबसाइट। कहाँ पे है? बैंगलोर में है। सो जो बैंगलोर के आसपास है और जो बैंगलोर में काम करना चाहते हो, they can, you know, they can put their CV into the school, right? Going to the last one, thank you for your love and support. ये वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड करने वाला हूँ, तो आप जैसे ही आपको फिजिबल लगे आप अपना CV ड्रॉप कीजिए। हमने अपना टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट कर दिया है, आप जस्ट PET Journey लिखिए, right? PET Journey लिखिए और आपको पास आ जाएगा, या फिर आप फुल लिखिए फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं, तब भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको शो करेगा। और हमारा YouTube चैनल तो आप जानते ही हैं, Facebook में भी आप अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर जर्नी आप लिखते हैं तो आपके पास आ जाएगा। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है, एंड आप सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू फॉर योर लव एंड रेस्पेक्ट टू दोज फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो अभी HOD बन के बैठे हुए हैं अच्छे अच्छे स्कूल में, और वो मुझे कॉल कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, प्लीज़ इसको ऐड में आप पुट आउट करो। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल में भी कोई वैकेंसी है रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन टीचर कोचेस, राइट, सो आप प्लीज़ हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे आप अपना रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। मैं डेफिनेटली मेरे अपकमिंग वीडियोस में मैं उसको डाल दूंगा, और हम अपने जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे सब्जेक्ट में जो अभी घर में बैठे हैं उनको एक स्कोप दिया जाए।
बाय एवरीवन, दिस साइड देवाशीष, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ, बी एट होम एंड बी हेल्दी एवरीवन। टेक केयर।